सो लगता है बिना हेलमेट के जाना पड़ेगा, पर हम पूरी ट्राई करेंगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय नेदर ब्लॉग। तो इधर सुबह के 7:30 और उठ गया था मैं 7 बजे आज। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अखबार पढ़ने के साथ। तो चलो, तो एक खबर आ रखी है गवर्नमेंट की, जो कि बहुत अच्छी खबर है कि एनडीए परीक्षा में अब बेटियों को भी शामिल करेंगे। मतलब एनडीए का जो पेपर होता है अपना, जो अपना डिफेंस की अकेडमी है उसके लिए नेशनल। और ये खबर बहुत ही मतलब मन को अजीब से करने वाली भाई, फायरिंग में धड़ाधड़ अफगानिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है। तीन तो खाली एक मेरे हिसाब से वैसे ही बता रखा है, वरना कितनों को तो मार दिया होगा तालिबान ने। तो चलिए अब क्या कह सकते हैं हम तो इसमें। बोल चले हम, कैसा फील हो रहा है? बेचारों के साथ बुरी बन रखी है, मजे आ रहे थे छुट्टियां मना के। तो बच्चों के फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो रखे हैं आज का स्कूल जाते टाइम। पहले मतलब मजे थे जब घर पे पढ़े थे पूरे साल, घर से हो रहा था जो हो रहा था पेपर में पास। अब देखो बताओ, मुंह लटका हुआ है ऐसे मास्क पहन के नीचे मुंह करके, क्या करें। पर वही बात है ना, स्कूल नहीं जाएंगे तो भाई दिक्कत है। तो जाओ फिलहाल, सही है, खुल रखे हैं। तो मैं आ गया था वीडियो अपलोड करने, तो फाइनली अपनी वीडियो अपलोड हो चुकी है जो कि 10:30 बजे आ जाएगी। तो चलिए अब चलता हूँ। बार बार टाइम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आधे लोगों को पता ही नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं, तो इसी बहाने पता लग जाता है वीडियो में बोलता हूँ जब मैं। तो सोनू भाई इनका घर है, यहीं पे आ जाता हूँ मैं पड़ोस में। सही है, बढ़िया स्पीड आती है, 5 Mbps तक की आ जाती है, तो अपना जल्दी अपलोड हो जाती है 1.5-2 GB की वीडियो भी। तो चलो अब चलते हैं घर, थोड़ा बहुत काम करते हैं क्योंकि आज तो काम बहुत ज़्यादा ही है। टाइम हो गया सुबह के 9:15 और जा रहा हूँ मम्मी को मेडिकल छोड़ने नाश्ता देने के लिए, क्योंकि आज होपफुली आ ही जाएंगे भाभी और मतलब वो सोनू भाई ने छुट्टी कर रखी है। तो चलिए चलते हैं फटाफट, बाकी फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो जा रहा है बार बार, गर्मी ज़्यादा है ना आज, ये बहुत दिक्कत दे रहा फ़ोन भी। तो चलो चलते हैं। सो फाइनली मेडिकल आ चुके हैं, मोनी की स्कूटी लानी पड़ रही है भाई, मांग के अपनी तो बिजी थी, बाकी मम्मी को छोड़ दी यहाँ पे, अब ताई जी को लेके जाना। चक्कर ही चक्कर कट रहे, काम इतना हो जा रहा है आजकल, तो वीडियो भी ऐसी ही मिल रही है आपको इधर उधर घूमने फिरने की। तो चलिए चलते हैं, अब ताई जी आती है फिर घर छोड़ते हैं उनको, और ये मोनी की स्कूटी पकड़ाते हैं फिर जाते हैं घर। फाइनली घर आ चुका हूँ, अब ये स्कूटी की चाबी पकड़ा आते भाई उनके, उनको भी काम हो गया है। बाकी वैक्सीनेशन सेंटर पे आपने भीड़ देखी होगी, कम से कम भी ना 250-300 लोग, इतनी लंबी लाइन, बुरा हाल है। अच्छा हमने टाइम पे लगवा ली दोनों वैक्सीन, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे पहले कुछ नहीं होता वैक्सीन से, और अब लाइन में लगे ऐसे देखो। सो टाइम हो गया दिन के, और काम इतना होता है। लाल पाउडर है ना ये अभी डाला मिर्च वाला, और ये मेरे पैर पे भी गिर गया भाई, अब पता नहीं कितनी देर में मिर्च लगनी शुरू होगी, बड़ी समस्या है भाई, काम ही काम, काम ही काम। तो यहाँ पंकज को नहाते खाने काम पे लगा दिया, देखो क्या करें भाई, मम्मी भैया ने मेडिकल पे तो हम नहीं करना है। बाकी सोनू भाई अपने अभी चलते हैं भाई, खाओ हवा खाओ, सोनू भाई भी इधर उधर चक्कर काटने पे, क्या करें, करना पड़ता है, जिम्मेवारी आ रखी है। टाइम हो गया दिन के 1:30 और सोनू भाई के साथ जा रहा हूँ मैं फिर से खाना देने दिन का, क्योंकि आपको पता है अब 2-3 दिन ऐसे ही रहने वाला है, तो बिजी लाइफ हो रखी है बिल्कुल ही। बाकी इसके बाद फिर मम्मी को लेके आना, फिर मम्मी को छोड़ने जाना, सोनू भाई को लेके आना, चक्कर ही चक्कर कटने वाले, फिर शाम को पॉलिटेक्निक जाना। चले भाई देखो, ये देखो पूरी सेफ्टी धूप से, और हमारा क्या हाल होगा हेलमेट में अभी। सब टाइम हो गया दिन के 3 और दिन का टाइम खाने का भी हो रहा है हमारा, बहुत लेट हो गया आज, आजकल ऐसे ही चक्कर लग रहे मेरे। पर मम्मी ये खाना खा के फिर मम्मी को छोड़ने जाना। सो यहाँ मैंने खाना भी नहीं खाया, ऑर्डर दे रही थी मम्मी, हम बोलो पच्छा मेगी बोल दिया हाँ। तो यहाँ पे देख लो आप, मतलब ये खाना पूरा खाया नहीं, यहाँ पे खाना होता है ना, इतने में तो ऑर्डर मिल जाते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ क्या तो मम्मी है ना, मतलब घर आके नहाया उसके बाद खाना खाया, मतलब मम्मी सुबह से कुछ नहीं खाया था लगा लो, बस चाय पी रखी थी जब गई, ऐसे ही चलता है, अब क्या करें, काम करना जरूरी है, तो इस चक्कर में चक्कर कटते रहते कटते रहते कटते रहते। तो चलिए अब खाना खा के फिर निकलता हूँ फिर मेडिकल के लिए, चलिए चलते हैं अब, मैं वेट कर रही हूँ मम्मी, हेलमेट निकाल लेता हूँ और निकलते हैं फटाफट मेडिकल के लिए, फिर सोनू भाई को लेके आना भाई, सोनू भाई बाहर बैठा, अंदर तो एंट्री होती नहीं है। तो चलो चलते हैं। सभी टाइम हो गया दिन के 4 और सोनू भाई अपने साथ आ चुके हैं, और चलें भाई चलो, मेरे तो चक्कर है इससे, हालत ख़राब हो गई सही में। सो यहाँ कई देर से लग रखे हम, ये खोलियो भाई, सोनू भाई खड़ा ट्राई करे एक बार, क्या करे, लगा भाई लगा, तब से लग रखे, चाबी घूम ही नहीं रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। सो लगता है बिना हेलमेट के जाना पड़ेगा, पर हम पूरी ट्राई करेंगे। सो फाइनली बिना हेलमेट के चल दिए भाई, हम क्या कर सकते हैं, और जब खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई एकदम डिग्गी में, तो थोड़ी रेस भी देना,
रेस नहीं, बस मैं फोन सोनू भाई को पकड़ा देता हूँ। तो फाइनली घर आके मैंने पूरा जुगाड़ लगाया, सब जाके हुआ है और तेल भी डाल दिया इसमें, जाम हो गया स्प्रिंग। इसीलिए कहते हैं टेक्निक से चलो तो सब होता है। तो पापा ने बहुत देर लगाया 10 सेगमेंट, फिर मैंने करा एक बारी में पूरा घुमा दिया, अपने आप खुल गया। मेन जो अंदर का स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग है जाम हो रखा था, ये देखो अब क्या स्मूथ हो गया एकदम से, अब पूरी चाबी भी घूम रही है। तो भाई आपके साथ भी कभी ऐसी दिक्कत बने तो पहले ढंग से करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, बाकी ताई जी का चार्जर देके आने वाले, पॉलिटेक्निक बहुत काम हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब फटाफट से, स्कूटी निकालते, डिग्गी तो खोल दी मैंने, हेलमेट पहन के अपना निकलते फटाफट। अब हमने डब्बे भी रख लिए पॉलिटेक्निक के बाहर हैंडपंप पे, वहां से पानी ले लेंगे। मार गए ताई जी इनके यहाँ सामान देने, सोनू भाई को दूध लेने के लिए, बाकी अब चलते हैं। सोनू भाई को जिम्मेदारी दे दिया मैंने स्कूटी चलाने की, तो चलो चलते हैं। घोड़ा हमेशा रहता है, पता नहीं किसका पालतू है कैसे है। बाकी सोनू भाई हमारे यहाँ स्कूटी चला रहे हैं बहुत की स्लोली स्लोली सेफ्टी के साथ। अपना वाहन रॉन्ग साइड पे चल रहा है अभी, क्योंकि आगे रोड खराब है। बाकी सोनू भाई बहुत ही सफाई से चला रहे हैं। सामने अपना पुल है जहाँ का मैंने कल ब्लॉग डाला, जिस पे मैं फंस गया था भाई बीच में। तो तेल डलवाने आ रखे थे, तो कल से तेल आज 0.04 मतलब 99.35 था कल, आज 99.39 हो गया। तो ये तो चलो इतना चलता है। सो आ चुके हैं बहुत दिनों बाद पॉलिटेक्निक। बाकी घास बढ़ गई बारिश में, यहाँ हर जगह घास ही पड़ रखी है बारिश में, तो बाकी हरियाली बहुत सही है यहाँ। देखो ये देखो, एक रूट इधर से जाता है और एक इधर को जाता है, यहाँ अकेला घर है। आ गए हम पॉलिटेक्निक बहुत दिनों बाद, और ये हमारा क्या नाम था रे तेरा, जोकी, वही कच्चे का नाम था जिसका नाम है वो जोकी, भूल गया था मैं तो। बाकी आप खाट लेनी है यहाँ से, फिर चलते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं भाई, इधर देखो आप चारों तरफ आपको यही दिखेंगे उड़ते हुए, ड्रैगन फ्लाई कहते हैं इन्हें, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, पता हो तो बताना, यहाँ तो हेलीकॉप्टर कहते हैं देसी भाषा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हरियाली हो रखी है, पूरी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, जो कि व्लॉग में जब पॉलिटेक्निक आता हूँ तभी देखने को मिलती है ज़्यादातर, मतलब पूरा भर चुका है बारिश में, तो मतलब जहाँ देखो हरियाली, और ये देखो फूल क्या मस्त आ रहे, क्या गजब लग रहे हैं ना। बाकी चलते हैं खाट लेके अब यार, क्योंकि काम है ना, मैं सोनू भाई के साथ आ रखा हूँ, आज सोनू भाई हमारे हैवी ड्राइवर थे। सो ये अपने पास खाट, सोनू भाई उठाओ, चलो खाट मिल गई भाई सोनू भाई को, नई वर्ल्ड कप जीत लिया। हाँ ऐसे में ले जाएंगे, 5 फुट की खाट है सोनू भाई से, ये छोटी है, चलते हैं। बाकी पानी भरना है अभी तो बाहर जाके, और यहाँ से खाट लेके सोनू भाई पीछे पकड़ लेंगे, बाकी अब थोड़ा हैवी टाइम बनना पड़ेगा मेरे को। सो अभी यहाँ पे लग रखे हम भाई पानी भरने के लिए, यहाँ पे भी हैंड पंप है पॉलिटेक्निक के बाहर, बाकी खाट वहाँ पे रखी है, स्कूटी वहाँ खड़ी है, 2 डब्बे लाया था मैंने कि दोनों काम हो जाएंगे, खाट भी आ जाएगी ये भी। मैं बीच में स्पेशली रोक रखी है, देखो खाट कैसे पकड़ रखी है, तो ऐसे ले जानी है भाई आगे तक। बाकी सनसेट दिखा दो आपको क्या मस्त लग रहा है। तो सामने देख सकते हैं बहुत ही गजब व्यू आ रहा है, कैमरे में तो हम ढंग से नहीं जैसा भी दिख रहा है, बाकी सामने से तो बहुत ही रियल में बहुत सही लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं घर को भाई, मैंने के दिखाऊं आपको भी। सो फाइनली पहुंच चुके हैं आराम से, बिल्कुल रिस्पेक्टेड पास, ओह सॉरी मिशन पास। सो टाइम हो गया रात के 11:15, और भाई आज का दिन आपने देखा होगा फुल ऑफ काम 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 काम, और कुछ नहीं था भाई, काम के बीच में वीडियो मैं बनाता गया ऐसे ही, तो व्लॉग यही तो होता है ना, जब भी कुछ भी थोड़ा बहुत अपना डेली लाइफ में जो भी हो रहा है दिखा दो। बाकी खाना बना रहा है पंकज रोटी, बाकी चलते हम नीचे खाएंगे, बना रहा है अभी रोटी। तो टाइम हो गया रात के 11, और खाना खाने के लिए आ गए, नीचे ही खा रहे हैं आज खाना, गर्मी बहुत ज़्यादा ऊपर। रात का खाना है भिंडी प्लस रोटी, जो कि दोनों पंकज ने बनाई है, बाकी दही, और ये तो अमूल वाले ने बना रखी है। तो फाइनली खाना खा लिया है, और अपना एडिटिंग का काम चालू अब, बाकी पीछे साउथ की मूवी चल रही है। तो चलिए बस यही था कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, फिर बहुत से लोग तो अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, बाकी बता दिया करो, रीज़न बताया करो, थोड़ा बहुत कुछ कमी लगे तो उसको सुधारेंगे, अनसब्सक्राइब क्यों करते हो यार। तो चलिए तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।